नमस्कार, मैं उपेंद्र आप सभी का फाइव स्टार किचन में स्वागत करता हूँ। कभी कभी हम चाहते हैं कि हम झटपट कोई नाश्ता बनाएं जो हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी और सभी को पसंद आए। आप सभी ने तो उपमा तो बनाया ही होगा, लेकिन आज मैं आपको इस रेसिपी को ट्विस्ट करके इससे झटपट रवा इडली कैसे बनाएं ये बताऊंगा, जिसे आप स्टोर भी कर सकते हैं और जब मन करे तब इसे झटपट बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इंस्टेंट रवा इडली। रवा इडली बनाने की सामग्री है 1 कप रवा यानी कि सूजी, बारीक कटा हुआ 3 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक 1 इंच, 1 चम्मच उड़द की दाल, 8 से 10 कड़ी पत्ते इसे बारीक काट लिया है, 1 पिंच हींग, नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच चने की दाल छोटी वाली चम्मच, 1/2 चम्मच सरसों यानी कि राई, 8 से 10 काजू, 1 कप छाछ, 1/2 कप धनिया पत्ता जिसे बारीक काट लिया है, 1 चम्मच बड़े वाले से घी, 1 पिंच सोडा खाने वाला, 1 चम्मच चीनी यानी कि शक्कर, पानी और तेल। कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे, घी डालेंगे, घी गरम हो गई है, अब हम काजू डालेंगे और ब्राउन होने तक भून लेंगे। देखिए काजू ब्राउन हो गई है, अब इसे हम निकाल लेंगे। अब हम सेम पैन में सरसों डालेंगे, सरसों चटकने लगी है, अब हम इसमें चना दाल डालेंगे, उड़द की दाल डालेंगे, हल्का ब्राउन हो गया है, अब हम हींग डालेंगे, कटा हुआ कड़ी पत्ता डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, अब सूजी डालेंगे और ब्राउन होने तक भून लेंगे। आप इस मिक्सचर को फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे तब आप इससे इडली बना सकते हैं, चाहे तो आप इससे उपमा बना सकते हैं। अगर आपको उपमा बनाना होगा तो सिर्फ गर्म पानी डालना होगा, और अगर आपको इडली बनानी है तो थोड़ा सा उसमें दही डाल के आपको मिक्स करना होगा, वो हम आगे आपको बताएंगे। हमारा मिक्सचर ब्राउन हो गया है, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें छाछ डालेंगे, चीनी डालेंगे, नमक डालेंगे और हरा धनिया पत्ता डालेंगे कटा हुआ, और इसे ठीक से मिला लेंगे। मिक्सचर हमारा रेडी है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, इसमें हम पानी डालेंगे और 1 पिंच सोडा डालेंगे और मिला लेंगे। देखिए बैटर हमारा रेडी है, अब हम इसे स्टीम करेंगे। अब हम ग्रीस करेंगे घी के साथ और सभी में हम 1-1 काजू रख लेंगे। अब हम बैटर डालेंगे, इसी तरह से हम ऊपर के भी इसमें भर के स्टीम करेंगे। अब इसे हम ढककर 15 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे गैस को बंद करेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद में बाहर निकालेंगे। अब इसे निकालेंगे, देखिए कितनी सुंदर दिख रही है, इसी तरह से सभी निकाल लेंगे हम। रवा इडली बनकर तैयार है, आप इसे गर्मा गर्म ही परोसें, नारियल की चटनी या अचार के साथ परोसें। देखिए इसके रखे हुए काजू भी कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपसे रेसिपी शेयर की, आप भी इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए
अगर आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।